हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झासर एकेडमी फॉर आईएएस। गाइस, हम कर रहे हैं अपने करंट अफेयर्स की एमसीक्यू प्रैक्टिस और हमने स्टार्ट किया था अपना अगस्त 2021 के करंट अफेयर्स, जिसके हम 60 क्वेश्चंस कवर अप कर चुके हैं और आज हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस कवर करने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। हमारा 61st क्वेश्चन है पेंसिलगुनपा ग्लेशियर से रिलेटेड। तो इट इज़ लोकेटेड इन जांसकर लद्दाख एंड इट इज़ रिट्रीटिंग ड्यू टू द इंक्रीज इन द टेम्परेचर एंड डिक्रीज इन प्रेसिपिटेशन ड्यूरिंग विंटर्स। तो हमारे यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यूबोया। इट इज़ द लार्जेस्ट ग्रीक आइलैंड इन एयर एंड इट इज़ सेपरेटेड फ्रॉम बोएशिया इन मेनलैंड ग्रीस बाय द नैरो एरिपस स्ट्रेट। तो ये एक ग्रीस का आइलैंड है, ठीक है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ओनली 2। फर्स्ट स्टेटमेंट क्यों गलत है, क्योंकि ग्रीस का आइलैंड तो है लेकिन लार्जेस्ट नहीं बल्कि सेकंड लार्जेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हाइड्रोजन से रिलेटेड। तो हाइड्रोजन इज द सेकंड लाइटेस्ट एंड फर्स्ट एलिमेंट ऑन द पीरियोडिक टेबल एंड इट इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ओनली 2। फर्स्ट स्टेटमेंट क्यों गलत है, क्योंकि ये सेकंड लाइटेस्ट नहीं बल्कि फर्स्ट लाइटेस्ट, सबसे ज़्यादा लाइट होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ITBP फोर्स। इट इज़ सेंट्रल आर्म्ड फोर्स फंक्शनिंग अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड इट इज़ इंडियाज प्राइमरी बॉर्डर कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन फॉर इट्स बॉर्डर्स विद चाइना तिब्बत ऑटोनोमस रीजन। तो हमें यहाँ पे गलत स्टेटमेंट बतानी है, इनकरेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ओनली 1। क्यों गलत है, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में नहीं बल्कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। इट इज़ एम्पावर्ड टू डील विद टेरर रिलेटेड क्राइम्स अक्रॉस स्टेट्स विदाउट स्पेशल परमिशन फ्रॉम द स्टेट्स एंड इट वर्क्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए ओनली 1। सेकेंड स्टेटमेंट क्यों गलत है, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ कंसाइंस द प्रैक्टिस एंड कन्वर्जन ऑफ रिलीजन ऑफ वन चॉइस इंक्लूडिंग नॉट फॉलोइंग एनी रिलीजन आर ऑल्सो गारंटीड एंड आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज इंडिविजुअल्स द राइट टू मैरी अ पर्सन ऑफ वन चॉइस। तो हमें यहाँ पे गलत स्टेटमेंट बतानी है कौन सी है, लेकिन क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही PM दक्ष योजना। सो ऑल दीज मार्जिनलाइज्ड पर्सन ऑफ SC OBC EW इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस डीम नोटिफाइड ट्राइब्स आर एलिजिबल एक्सेप्ट सैनिटरी वर्कर्स सैनिटेशन वर्कर्स एंड इट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय MoSJ फ्रॉम द ईयर 2020 to 2021। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी ओनली 2। फर्स्ट स्टेटमेंट क्यों गलत है, क्योंकि सैनिटेशन वर्कर्स को भी इसमें इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट टू फ्री एंड फुल कंसेंट टू मैरिज इज रिकोगनाइज इन द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड एलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड अर्ली एंड फोर्स मैरिज इज नाउ पार्ट ऑफ द यूनाइटेड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अंडर टारगेट 5। तो हमारे यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है अटलांटिक मेरिडोनियल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन। इट इज़ अ लार्ज सिस्टम ऑफ ओशन करंट्स दैट कैरी वार्म वाटर फ्रॉम द ट्रॉपिक्स नॉर्थवर्ड्स इनटू द नॉर्थ अटलांटिक एंड गल्फ स्ट्रीम इज अ कोल्ड करंट इन अटलांटिक ओशन। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन है ओनली 1। सेकंड स्टेटमेंट क्यों गलत है, क्योंकि जो गल्फ स्ट्रीम है वो कोल्ड करंट नहीं बल्कि वार्म करंट है, गर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हिजबुल्ला से रिलेटेड। इट इज़ अ शिया इस्लामिस्ट पॉलिटिकल पार्टी दैट इज़ बेस्ड इन लेबनान एंड द ऑर्गेनाइजेशन वाज फाउंड बाय द ईरानियन एफर्ट टू एग्रीगेट लेबनीज शिया ग्रुप्स। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बोथ 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। सो इट इज़ फॉर्म्ड एवरी ईयर विद द स्ट्रेंथ ऑफ नॉट मोर देन 35 मेंबर्स, जिसमें से 15 लोकसभा एंड 10 राज्यसभा एंड चेयरमैन इज सेलेक्टेड फ्रॉम द ऑपोजिशन। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी ओनली 2। फर्स्ट स्टेटमेंट क्यों गलत है, क्योंकि 35 मेंबर्स नहीं होते बल्कि 21 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 15 लोकसभा के होते हैं और 7 किसके होते हैं, 7 होते हैं हमारे राज्यसभा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है इट मैंडेट्स अ ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम ओवर द टॉप एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म्स इन द कंट्री एंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स विल ऑल्सो हैव टू नेम अ ग्रीवेंस ऑफिसर हु शैल रजिस्टर द ग्रीवांस विद इन 24 आवर्स एंड डिस्पोज इट इन 15 डेज। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बोथ 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर SIAC। इट इज़ एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड इन सिंगापुर एंड इट एडमिनिस्टर्स आर्बिट्रेशन अंडर इट्स ओन रूल्स ऑफ आर्बिट्रेशन एंड WTO आर्बिट्रेशन रूल्स। तो करेक्ट आंसर हमसे पूछा है, लेकिन दोनों ही स्टेटमेंट्स गलत है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब दोनों क्यों गलत है, क्योंकि एक तो ये इंटर गवर्नमेंटल नहीं बल्कि एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और दूसरा ये जो आर्बिट्रेशन एडमिनिस्टर करती है वो यूनिक्ट्रल UNICTRAL की एडमिनिस्ट्रेशन के रूल्स के अंडर करती है, ना कि WTO के।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अवनींद्रनाथ टैगोर. He first created the Indian Society of Orientaland and later went on to establish Bengal School of Art and he was the first major supporter of Swadeshi values in Indian art. So correct answer option C, both 1 and 2. Next question is, recently which one of the following changed Rajiv Gandhi Khel Ratna stands renamed as the Major Dhyan Chand Khel Ratna in honor of the hockey wizard. So ye naam kisne badla hai? To ye badla hai Ministry of Youth Affairs and Sports. Option C hamara yahan pe बिल्कुल करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच ऑफ द फ्लोइंग लॉन्च अ मंथ लॉन्ग कैंपेन पानी माँ वाटर मंथ, जो इम्प्लीमेंटेशन जल जीवन मिशन का इम्प्लीमेंटेशन को बढ़ाने के लिए किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है लद्दाख ने. तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन से अभिनंदनाथ टैगोर से रिलेटेड नहीं है, मतलब उनकी ये बुक्स दी हुई हैं तो कौन सी उनकी बुक नहीं है? तो ऑप्शन ए भारत महान नहीं है, क्योंकि बुक थी भारत माता ना कि भारत महान. नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीगो गार्शिया, इट इज़ एन आइलैंड ऑफ द ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी एंड ओवरसीज टेरिटरी ऑफ द यूके एंड पोर्टुगीज वर द फर्स्ट यूरोपियंस टू फाइंड इट. तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बोथ 1 और 2. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगलेगा आइलैंड, इट इज़ एन आइलैंड इन मॉरिशियस एंड रिसेंटली मॉरिशियस हैज़ अलाउड इंडिया टू बिल्ड अ मिलिट्री बेस ऑन दिस आइलैंड. तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए ओनली 1. सेकंड क्यों गलत है? क्योंकि मॉरिशियस ने ऐसी कोई अग्रीमेंट नहीं दिया है बनाने के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है, समग्र शिक्षा क्या है? इट इज़ एन इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर स्कूल एजुकेशन एक्सटेंडिंग फ्रॉम प्री स्कूल टू क्लास 8 एंड द मेन एम्फेसिस ऑफ द स्कीम इज ऑन इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ स्कूल एजुकेशन बाय फोकसिंग ऑन 2 T's टीचर एंड टेक्नोलॉजी. तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, बोथ 1 और 2. नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेकेदातु प्रोजेक्ट से रिलेटेड. सो ये क्या, ये मल्टीपर्पज ड्रिंकिंग एंड पावर प्रोजेक्ट है एंड द प्रोजेक्ट वंस कंप्लीटेड इज एम्ड एट इंश्योरिंग ड्रिंकिंग वाटर टू बेंगलुरु एंड नेबरिंग एरियाज. तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, बोथ 1 और 2. नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच वन ऑफ द फ्लोइंग ट्राइब इज रिमूव फ्रॉम द लिस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन अरुणाचल प्रदेश. तो अरुणाचल प्रदेश की ट्राइब्स में से कौन सी रिमूव की गई है? खासी, मिशमी, ताई, खामती और अबोर. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, अबोर. अबोर को हटाया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट. सो द कोर्ट्स मैनेजमेंट ओवरसाइट एंड लेजिस्लेटिव बॉडी द असेंबली ऑफ स्टेट्स पार्टीज कंसिस्ट ऑफ 1 representative फ्रॉम ईच स्टेट पार्टी एंड इट इज लोकेटेड इन न्यूयॉर्क US. तो करेक्ट आंसर ऑप्शन है ओनली 1. सेकंड स्टेटमेंट क्यों गलत है? क्योंकि हेग नीदरलैंड्स में लोकेटेड है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये क्या, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है एंड दिस शुड हैव द पावर टू ऑडिट द फाइनेंशियल अकाउंट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज. तो दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ 1 और 2. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द लेटेस्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन विल बी सेटअप एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल विद पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ 1 crore to 10 crore rupees एंड इफ अ कंज्यूमर इज नॉट सेटिस्फाइड बाय द डिसीजन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट फोरम ही और शी कैन अपील टू द हाई कोर्ट. तो हमसे यहाँ पे करेक्ट आंसर पूछा गया है कौन सा है, सॉरी इनकरेक्ट, गलत कथन कौन सा है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ 1 और 2, क्योंकि दोनों गलत हैं. दोनों क्यों गलत है? क्योंकि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 1 crore तक के ले सकते हैं, 1 से 10 crore नहीं, 1 crore तक के. और डिस्ट्रिक्ट फॉरम से सेटिस्फाई नहीं है तो फिर वो स्टेट लेवल पे जाता है, हाई कोर्ट पे नहीं जाता है, वो स्टेट लेवल के फोरम में जाता है, स्टेट फोरम में. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट कैन बी टर्मिनेटेड बाय एडजॉर्नमेंट और एडजॉर्नमेंट साइन बाय और प्रोरोगेशन और डिसोल्यूशन इन द केस ऑफ लोकसभा एंड द प्रेसिडेंट इज एम्पावर टू डिसॉल्व द लोकसभा. तो हमें यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है, लेकिन दोनों सही है तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अनाउंस द इंट्रोडक्शन ऑफ राजीव गांधी अवार्ड फॉर एक्सेलेंस इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, महाराष्ट्र. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ विप इज एन ऑफिशियल of a political party who acts as a party's enforcer inside the legislative assembly or house of parliament and India ने इसको concept को कहाँ से inherit किया? British parliamentary system से. तो correct answer है option C, both 1 और 2. नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन से रिलेटेड, दीज आर जोग्राफिकली डेलिनेटेड एनक्लेव्स इन विच रेगुलेशंस एंड प्रैक्टिसेस रिलेटेड टू बिजनेस एंड ट्रेड डिफर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री and the main incentive for duty free import or domestic procurement of goods for development and operation and maintenance of SEZ units. So correct answer is option C, both 1 और 2. Next question है, PSLV was developed to launch low earth orbit satellites into polar and sun synchronous orbits और GSLV को किस लिए develop किया था? To launch the heavier inside class of geosynchronous satellites into orbit. So correct answer is option C, both 1 और 2. Next question है, Asian elephants, they are listed as critically endangered on the IUCN red list of threatened species and elephant is the national heritage animal of India. तो correct answer है option B, only 2. First क्यों गलत है? क्योंकि critical endangered नहीं बल्कि सिर्फ endangered है. Next question है, maiden bilateral exercise है कौन कौन सी states के बीच में? तो इसका correct answer है option B, India and Saudi Arabia.
नेक्स्ट क्वेश्चन है EOS टॉम न्यूज़ में है तो वो किससे रिलेटेड है, तो ये है ऑप्शन ए अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बल्क ड्रग पार्क, सो द स्कीम एनविजेजेस क्रिएशन ऑफ 3 बल्क ड्रग पार्क्स इन द कंट्री एंड इट वॉज लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए ओनली 1। क्यों गलत है, क्योंकि इसको किसने लॉन्च किया है, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट टू एजुकेशन, 86th अमेंडमेंट एक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड द राइट टू एजुकेशन एज अ फंडामेंटल राइट एंड द सेम अमेंडमेंट इंसर्टेड आर्टिकल 21 विच मेड द RTI फंडामेंटल राइट फॉर चिल्ड्रन एजेड बिटवीन 6 एंड 14 ईयर्स। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी बोथ 1 एंड 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रीडम फाइटर पिंगली वेंकैया proposed a basic design of the flag consisting of 2 red and green bands and a tricolor was adopted as the national flag at the कांग्रेस कमेटी मीटिंग इन द कराची इन 1931। तो हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या ऑप्शन सी बोथ 1 एंड 2, क्योंकि दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधान प्राइम मिनिस्टर श्रम अवार्ड्स, सो द ऑब्जेक्टिव इज टू रिकॉग्नाइज द आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाई वर्कमैन इन ऑर्गेनाइजेशन ओनली इन पब्लिक एंड वर्कमैन सोलली एंगेज इन रूटीन सर्विस ड्यूटीज विल नॉट बी एलिजिबल। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी ओनली 2। फर्स्ट क्यों गलत है, क्योंकि अगर वो काम करे चाहे पब्लिक में चाहे प्राइवेट में, दोनों के ही वर्क को रिकॉग्नाइज किया जाएगा। नेक्स्ट है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, तो इट एम्स टू डेमोक्रेटाइज डिजिटल कॉमर्स मूविंग इट फ्रॉम अ प्लेटफॉर्म सेंट्रिक मॉडल टू और ओपन नेटवर्क। बिल्कुल करेक्ट है, और ये डिजिटल पेमेंट डोमेन है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन है ओनली 1, क्योंकि पेमेंट का नहीं है, ये ट्रेड का है, कॉमर्स का है, बाइंग सेलिंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, तो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी इज द नोडल एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर द नेशनल वाइड रोल आउट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम and it is centrally sponsored scheme with some central sector components। So correct answer option C both 1 and 2। Next question is vehicle scrappage policy, it is a government funded program to replace old vehicles from Indian roads and as per rules commercial vehicles of more than 10 years old will have to be mandatorily scrapped even if they pass the fitness and emission test। So correct answer kya hai hamara option B, kyunki ye government funded program nahi hai jo replace karna hai। सॉरी इसका आंसर क्या है ऑप्शन ए ओनली 1, सेकंड स्टेटमेंट हमारी गलत है यहाँ पे। क्यों गलत है, क्योंकि 15 और 20 ईयर्स दे हुए कि कमर्शियल जो व्हीकल्स हैं उनके लिए 15 ईयर्स हैं और जो प्राइवेट व्हीकल्स हैं उनके लिए 20 ईयर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइस फोर्टिफिकेशन प्लान, सो इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड राइस डिस्ट्रीब्यूटेड अंडर दिस स्कीम विल बी फोर्टिफाइड बाई 2025 एंड इट इज सिग्निफिकेंट इनिशिएटिव एज द कंट्री हैज़ हाई लेवल्स ऑफ माल न्यूट्रिशन अमंग विमेन एंड चिल्ड्रन। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी ओनली 2। फर्स्ट क्यों गलत है, क्योंकि जो टारगेट है वो 2024 तक का रखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा IPCC इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, सो इट वॉज एस्टैब्लिश बाई WMO एंड IUCN एंड इट डज नॉट कंडक्ट ओरिजिनल रिसर्च नॉर मॉनिटर क्लाइमेट चेंज। तो हमें यहाँ पे इनकरेक्ट गलत पूछा गया, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ओनली 2, क्योंकि ओरिजिनल रिसर्च ये क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग कोई भी रिसर्च है, मॉनिटरिंग है, वो सब कुछ काम ये करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैनिक स्कूल, दीज आर रन बाय द सैनिक स्कूल सोसाइटी विच इज अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड एम क्या है इनका, टू प्रिपेयर द स्टूडेंट्स फ्रॉम एन अर्ली एज फॉर देर एंट्री इन टू द इंडियन आर्म्ड फोर्सेज। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी बोथ 1 एंड 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है सियाचिन ग्लेशियर से रिलेटेड, इट इज लोकेटेड इन द वेस्टर्न काराकोरम रेंज इन द हिमालयस एंड इट इज़ दी सेकेंड लार्जेस्ट ग्लेशियर इन द वर्ल्ड्स नॉन पोलर एरियाज। तो हमसे यहाँ पे इनकरेक्ट गलत पूछा गया है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ओनली 1। फन क्यों गलत है, क्योंकि ईस्टर्न काराकोरम रेंज में ना कि वेस्टर्न में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सोन चिड़ैया, इट वॉज लॉन्च बाई द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स फॉर मार्केटिंग अर्बन सेल्फ हेल्प ग्रुप प्रोडक्ट एंड इनिशिएटिव विल इम्प्रूव एज द स्टेप इन द राइट डायरेक्शन टुवर्ड्स इंक्रीज विजिबिलिटी एंड ग्लोबल एक्सेस फॉर द प्रोडक्ट्स मेड बाय अर्बन सेल्फ हेल्प ग्रुप वुमेन। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी ओनली 2। फर्स्ट क्यों गलत है, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स नहीं बल्कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन एंड हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन इंडिया एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी वॉज इंट्रोड्यूस एज एन इंपॉर्टेंट फीचर, कौन सी का है कि एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ऑप्शन बी करेक्ट है द ईवेस्ट मैनेजमेंट एंड होल्डिंग रूल्स 2011। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोजन, इट कैन बी स्टोर्ड फिजिकली एज ईदर अ गैस और अ लिक्विड एंड इट कैन बी स्टोर्ड ऑन द सर्फेसिस जैसे एड्सॉर्प्शन या फिर विद इन मीन्स एब्जॉर्प्शन। तो दोनों ही आंसर्स करेक्ट है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द स्टेट 3 न्यू स्पीशीज ऑफ वाइल्ड बल्सम फाइंड, तो ये हमें मिला केरल में, तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स 2021, न्यू रूल्स प्रोहिबिट्स आइडेंटिफाइड सिंगल यूज प्लास्टिक्स विच हैव लो यूटिलिटी एंड हाई लिटरिंग पोटेंशियल बाई 2026, अंडर इट मैन्युफैक्चर फॉर रेंज ऑफ प्लास्टिक प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग कंपोस्टेबल प्लास्टिक विल बी बैंड। तो करेक्ट आंसर पूछा है, लेकिन दोनों ही स्टेटमेंट्स गलत है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी,
दोनों स्टेटमेंट्स क्यों गलत हैं? क्योंकि जो नए रूल हैं वो क्या है कि टारगेट सेट किया है हर ईयर का कि इतने टाइम पे हमें 50 माइक्रोन्स की प्लास्टिक को हटाना है, इतने टाइम में फिर हमें 100 माइक्रोन्स की हटाना है, इस तरीके से। और जो कंपोस्टेबल प्लास्टिक है उसको बैन नहीं किया गया है। नेक्स्ट है हाइड्रोजन। अगेन हाइड्रोजन इज़ कलरलेस एंड ओडोरलेस एंड नेशनल हाइड्रोजन मिशन वॉज फर्स्ट अनाउंसड इन द 2019-2020 यूनियन बजट। तो इनकरेक्ट, गलत पूछा गया, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ओनली टू। क्यों गलत है सेकेंड वाला? क्योंकि 2022-23 अभी इसी साल के बजट में इसको फर्स्ट सबसे पहले अनाउंस किया है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूनियन होम मिनिस्ट्री हैज रिलीज्ड डेटा ऑन फेटेलिटीज कॉज्ड ड्यू टू हाइड्रोमीटरोलॉजिकल कैलामिटीज। तो उत्तराखंड में सबसे ज्यादा डेथ देखी गई है और इन टर्म्स ऑफ फंड्स रिलीज्ड बाय द सेंटर अंडर SDRF हाईएस्ट फंड्स वर एलोकेटेड टू महाराष्ट्र। तो इनकरेक्ट, गलत पूछा गया, तो ऑप्शन है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा डेथ्स रिकॉर्ड की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड। सो दीज आर डिजिटल करेंसीज इन विच इनक्रिप्शन टेक्निक्स आर यूज टू रेगुलेट द जनरेशन ऑफ यूनिट्स ऑफ करेंसी एंड वेरीफाई द ट्रांसफर ऑफ फंड्स। एल सेल्वाडोर इज द फर्स्ट करेंसी कंट्री दैट अडॉप्ट दिस करेंसी एज अ लीगल करेंसी। तो दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामसर कन्वेंशन। इट इज़ एन इंटरनेशनल अग्रीमेंट प्रमोटिंग द कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड्स एंड कन्वेंशन वॉज अडॉप्टेड एट रामसर इन इराक इन 1971 एंड केम इनटू फोर्स इन 1975। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन है ओनली वन। सेकंड क्यों गलत है? क्योंकि ये इराक में नहीं बल्कि ईरान में अडॉप्ट की गई थी। रामसर जो है वो ईरान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्ट इन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम। ऑर्गेनाइज किसने किया था? मीटी ने, विद ऑब्जेक्टिव सिक्योरिंग इंडियन साइबर स्पेस। और नोडल एजेंसी क्या है? विच डील्स विद साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स लाइक हैक एंड फिशिंग। तो दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडल्स एंड इंस्टीट्यूशंस द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम इज द। अब ये इसमें आते हैं हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज में, तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्राइब्यूनल रिफॉर्म्स रैशनलाइजेशन कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट 2021 से रिलेटेड। इट प्रोवाइड्स दैट द चेयरपर्सन एंड मेंबर्स ऑफ द ट्राइब्यूनल्स विल बी अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ सर्च कम सिलेक्शन कमेटी। और चेयरपर्सन का टर्म क्या होगी? 4 ईयर्स या फिर 75 ईयर्स, विच एवर इज अर्लियर। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन है ओनली वन, क्योंकि 4 ईयर्स और 70 ईयर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डोजे कॉइन या फिर एरेथ्रियम, ये हमें क्या देखने को मिलते हैं? तो ये हमारी क्रिप्टो करेंसीज है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस डे इज मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड्स। इट वॉज एस्टैब्लिश बाय रिकमेंडेशन ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज एंड इट इज मेंटेन एज द पार्ट ऑफ द रामसर लिस्ट। तो दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी बोथ 1 एंड 2। तो ये थे गाइज आज के हमारे क्वेश्चंस। आई होप आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा, तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अपना स्कोर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद।